भटियात के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को आज सर्वसम्मति से विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पहला प्रस्ताव पेश किया और विपक्ष के नेता था जयराम ठाकुर ने इसका समर्थन किया दूसरा प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रखा और हर्षवर्धन चौहान ने इसका समर्थन किया तीसरा प्रस्ताव धनीराम शांडिल द्वारा रखा गया और विपिन सिंह परमार ने इसका समर्थन किया प्रोटेम स्पीकर चौधरी चंद्र कुमार ने सभी प्रस्तावों को पारित किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानिया के अनुभव से सदन को लाभ मिलेगा विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि विपक्ष को कुलदीप पठानिया का संरक्षण प्राप्त होगा अपने चुनाव के लिए कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी का आभार जताया और कहा कि प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए वे हर सदस्य को पर्याप्त समय देने का प्रयास करेंगे उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य सदन की उच्च परंपराओं को बरकरार रखने में सहयोग देंगे सर्वसम्मति का चुनाव है मुझे लगेगा मुझे लगता है जलवाद नहीं होगा क्योंकि मैं एज ए अध्यक्ष जो है जहां सत्ता पक्ष को समय की आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है विपक्ष के साथियों ने जो है जो नीति है नियम है कानून जो भी आएंगे जो जो भी विषय चर्चा में आएंगे उसके ऊपर अपना नजरिया दृष्टिकोण रखना है लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो जिम्मेवारी है वो सत्ता पक्ष को दी होती है तो उस जिम्मेवारी को निर्वहन करने में ही पक्ष और विपक्ष को दोनों को साथ लेकर जो भी सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता होगी वो किया जाएगा ऐसा विश्वास में इस चैनल के माध्यम से जो है सभी सामान्य सदस्यों को भी सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी और हिमाचल प्रदेश की जनता को भी दिलाना चाहता हूं